शुक्रवार को राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ के द्वारा राजस्व मंडल से रैली निकालकर संभागीय आयुक्त किरण सोनी गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान सरकार के काश्तकार अधिनियम की धारा 230 में संशोधन कर 230A जोड़े जाने के संबंध में ज्ञापन देकर मांग की गई। अभिभाषक संघ ने अध्यक्ष SK पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार का यह अध्यादेश काश्तकारों के हितों के विपरीत है। इससे काश्तकारों के अधिकार सीमित हो जाएंगे, जिससे वे अग्रिम न्यायिक कार्य से वंचित रह जाएंगे। अध्यादेश राज्य के गरीब काश्तकारों के लिए नुकसानदेह और उनके हितों पर कुठाराघात करने वाला है, लिहाजा इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। अधिनियम के विरोध में राजस्व बार के वकीलों ने 2 दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा भी की है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान टेनिस एक्ट की धारा 230A में अमेंड करके काश्तकारों के जो अधिकार है उनको वंचित कर दिया है और उसमें ये कह दिया कि अंतरिम आदेश की कोई निगरानी रेवेन्यू बोर्ड में नहीं होगी। इस तरह से इनडायरेक्टली काश्तकारों पर ये कुठाराघात है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए हम बार ने उनके हितों की लड़ाई के लिए हम ये मुद्दा उठाया और ये मांग की है कि राजस्थान सरकार अधिकार वापस ले, क्योंकि ये काश्तकारों के हितों के विपरीत है, न केवल राजस्थान के बल्कि पूरे न कि अजमेर के बल्कि पूरे राजस्थान के काश्तकारों के लिए नुकसान रहेगा।